हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेस्टी रेसिपी लेकर के आई हूँ, पनीर कीमा विथ शाही स्टाइल। फ्रेंड्स, पनीर कीमा तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आज जो हमारा स्टाइल है वो काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। आप लोग ये मत सोचिए मैं सिर्फ बोलती हूँ, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद मुझे कमेंट कीजिए कि हाँ आपने सही कहा था। बिल्कुल सही, बिल्कुल ही अच्छा लगने वाला ये हमारा रेसिपी, और काफ़ी ईजी भी है। एक्चुअली ये रेसिपी आज मेरे हस्बैंड द्वारा शेयर किया जा रहा है, मैं नहीं, उन्होंने ये रेसिपी बनाई है, तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। एक्चुअली वो काफ़ी अच्छा डिश बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पनीर कीमे का रेसिपी। जब मेरे हस्बैंड पनीर कीमा के लिए पनीर कट कर रहे थे तो मैं तो देख कर दंग रह गई, इतना बारीक चॉप। फिर मैं सोची कि कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा आज इसमें। फिर उन्होंने कढ़ाई में घी ऐड किया, मैं सोची इतना कम घी। फिर उन्होंने बोला कि वेट करो, टेस्ट के बाद मालूम पड़ेगा। फिर उसमें थोड़े काजू इन्होंने डाला, साथ में ही थोड़े चाल मगज और दो बादाम डालकर अच्छे से फ्राई कर ली। मैं सोची कि इन्होंने ढक कर क्यों फ्राई किया। फिर मैं देखी कि ये जो चाल मगज है वो उड़ते हैं, उसकी वजह से उन्होंने ढक कर इसे 2 मिनट तक अच्छे से सुनहरे होने तक फ्राई कर लिया। फिर क्या, इन्होंने इन सबको अच्छे से एक प्लेट में निकाल कर इसमें ही पनीर को फ्राई किया। मैं सोची सुनहरे होते तक ये पनीर को अच्छे से फ्राई करेंगे, बट इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं सोची ये क्या कर रहे हैं, ये पनीर को 2 मिनट तक बस हल्का भूनना है। फिर 2 मिनट के बाद ये पनीर को निकाल दिए। मैं सोची कुछ ना कुछ तो आज डिफरेंट टेस्ट करने को मिलेगा मुझे ज़रूर। मैं एक्साइटेड थी कि ऐसा डिफरेंट क्या होगा इसमें। बस पनीर को इन्होंने डाला और 2 मिनट के बाद ये पनीर निकाल लिए। फिर इस तले हुए काजू और चाल मगज में ये टमाटर और काली मिर्च का पेस्ट बनाए। मैं सोची काजू में टमाटर और काली मिर्च क्यों, अदर कोई भी गरम मसाला नहीं। मैं सोची आज की रेसिपी तो पक्का खराब होने वाली है। फिर क्या, मिर्ची लहसुन और 2 इंच अदरक लेकर इसका भी इन्होंने एक फाइन पेस्ट तैयार कर लिया। मैं सोची 2 अलग अलग पेस्ट बिना कोई गरम मसाला के। फिर 8 से 10 प्याज को इन्होंने अच्छे से छील कर चॉपर बॉक्स में बारीक चॉप कर ली। अगर आपके पास चॉपिंग बॉक्स ना हो तो आप चाकू से भी बारीक चॉप कर सकते हैं। एक कढ़ाई लिए, उसमें फूड ऑयल, एक कढ़ाई में लगभग 8 से 10 टेबल स्पून फूड ऑयल यूज़ कर लिए अच्छे से। उसे अच्छे से हीट करने के बाद उसमें ये ऐड कर दिए 1 टेबल स्पून जीरा। जीरा हल्का जैसे ही चटक जाए फिर इसमें ये प्याज, सारे प्याज जो चॉप करके रखे थे इसमें ऐड कर दिए और इसे भूनने लगे। मैं सोची सुनहरा होते तक अच्छे से इन सब प्याजों को भूनेंगे, बट इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। 2 से 4 बार इसे अच्छे से भूनने के बाद उसके बाद इसे ढककर 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लिए। बिल्कुल इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना, हल्का बस सुनहरा भूनने के बाद इसमें वो ऐड कर दिए वो जो मिर्ची और लहसुन का पेस्ट था वो। मैं बोली प्याज तो आपने पूरा भुना ही नहीं। ये बोले इसकी सीक्रेट मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। बोली ठीक है, देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा तभी ये ऐसा किए। फिर 2 से 4 बार इसे भूने अच्छे से, ताकि ये ऐसा इसलिए किए हों क्योंकि मसाले के साथ प्याज भी अच्छे से भून जाए और साथ ही साथ हमारा जो पेस्ट था वो भी अच्छे से भून जाए। इसमें कुछ मसाले ऐड कर दिए, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग और गरम मसाला। इन सबको अच्छे से डालने के बाद एक बार अच्छे से हम सारे मसालों को भून लेंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो मसाला है अच्छे से पक जाएगा और साथ ही साथ जो प्याज है वो हमारा अच्छे से और ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। सारे मसालों को साथ में भून लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर भी इसमें आ रहा है। मुझे तो देखते ही मेरे मुंह में पानी आने लगा था कि कुछ ना कुछ तो आज मैं यूनिक टेस्ट ज़रूर करूँगी। फिर जो हमारा काजू टमाटर इन सब का पेस्ट था उसे हम इसमें ऐड करके 2 से 4 मिनट अच्छे से भून लेंगे। इससे फ्रेंड्स आप इसमें
जब हम मिर्ची पाउडर का यूज़ किए तो ध्यान रखें आप काश्मीरी लाल मिर्च का ही यूज़ करें। मैं भी इसमें काश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ की थी। अब इसमें गरम मसाला ऐड कर दिए हम 1 टेबल स्पून। काश्मीरी लाल मिर्च से हमारे कोई सी भी रेसिपी में कलर काफ़ी अच्छा आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं क्या सुंदर कितनी टेस्टी कलर आया है इसमें। देख सकते हैं फ्रेंड्स कलर काफ़ी अच्छा आया है और इसका तेल भी छोड़ चुका है। देख सकते हैं हस्बैंड जी से आज मैं बनवा रही हूँ खाना, क्योंकि मैं सफ़र करके आई थी, काफ़ी थक गई थी। देख सकते हैं तेल काफ़ी साइड साइड में छोड़ दिया, मतलब हमारे मसाले काफ़ी अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही, 3 टेबल स्पून हम इसमें दही ऐड कर देंगे। ध्यान रखें दही फ्रेश ही लें तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा, और अगर ज़्यादा खट्टा दही है आपका तो 2 टेबल स्पून ही इसमें ऐड करें। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स करके हम इसे ढक के 2 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, ताकि जो हमारा दही है अच्छे से पक जाए। देख सकते हैं ये हमारे सारे ऑयल साइड साइड में आ गए हैं, इसकी यही पहचान है कि हमारे जो मसाले हैं अच्छे से भुन चुकी है और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। आप इससे पहचान सकते हैं कि आपके मसाले अच्छे से कब भुने हैं। आपके भी मसाले के अगर साइड में तेल छोड़ने लग जाए तो आप समझ जाएं कि आपके मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के करीब कस्तूरी मेथी, और साथ ही जो हमारे पनीर जिसे मैं हल्का तल कर रखे थे वो पनीर इसमें हम ऐड कर देंगे। देख सकते हैं बिल्कुल बारीक चॉप किए थे ये, बारीक तो नहीं कहेंगे पर हाँ छोटे छोटे चॉप किए थे। इसे 2 बार अच्छे से चला ले, 1 से 2 बार मतलब मिक्स कर ले मसाले में अच्छे से पनीर को। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 ग्लास के करीब वाटर। इससे क्या होगा हमारे मसाले और पनीर दोनों अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। पानी ऐड करने के बाद इसे हम ढक के 1 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे, ताकि जो हमारे पानी का कच्चापन होता है वो निकल जाए, कच्चा ना रहे हमारा पानी। देख सकते हैं ऐसे हम इसे ढकना है और 1 मिनट तक बस कुक करना है, 1 बॉइल आते तक हम इसे कुक कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी टेस्टी काफ़ी यम्मी पनीर कीमा विथ शाही स्टाइल बनकर रेडी है। आप अब इसे गैस का फ्लेम ऑफ कर दें यहाँ पर और इसे सर्व कर लें। एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद ही गैस का फ्लेम ऑफ करें, जैसे देख सकते हैं। कहते हैं ना कुछ लोगों के, कुछ जेंट्स के हाथ में भी टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, वही है हमारे घर, इनके हाथ में काफ़ी अच्छा टेस्ट है। ज़्यादातर कुकिंग तो मैं इनसे ही सीखी हूँ। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर आया है इसमें। अब मैं आप लोगों को फ्रेंड्स सर्व करके दिखाती हूँ पराठे के साथ में। मैं यहाँ ले लूँगी आटा, उसमें थोड़ा नमक और 1/2 टेबल स्पून के करीब जीरा डालकर इसे अच्छे से गूँथ लेंगे, जैसा रोटी के लिए आप गूँथते हैं। अभी हम इसे बेलेंगे, जैसा नॉर्मल रोटी बेलते हैं वैसे रोटी के आकार का गोल बेल लेना है, मीडियम साइज़ का लोई ले करके। ऐसे हमें बेल लेना है। अब हम इसे साइड से एक तरफ से एक कोने से कट करके इसे फोल्ड कर लेंगे, ऐसे जैसे आप देख सकते हैं चारों तरफ से फोल्ड करके एक पराठे का शेप दे देंगे। इसके बाद हम इसे वापस सूखे आटा में डिप करके एक पराठा बेल लेंगे। पराठे का शेप में ये खुद बिल जाएगा, आप इसे बस चारों तरफ से अच्छे से राउंड एंड राउंड करते हुए बेल लें। इस तरह से हम बेल लेंगे। मैं तवा पहले ही गर्म होने को रख ली थी, इसे अब दोनों तरफ से सेक लेंगे। जैसे हम एक पराठा सेकते हैं उसके ऊपर से घी अप्लाई कर देंगे, घी अप्लाई करते हुए इसे अच्छे से सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ कितना आकर्षित दिख रहा है ये, काफ़ी अच्छा कलर के साथ। बिल्कुल भी इसमें नहीं लग रहा है कि कोई मसाला ऐड किया हो, और मसाला तो ऐसे भी इसमें ऐड नहीं है। अब मैं आप लोगों को इसे टेस्ट करके भी बताती हूँ। हाथ में लेने के बाद मुझे देखते ही मेरे मुँह में पानी आ रहा है, बिल्कुल माउथ वाटरिंग रेसिपी है ये हमारा। देख सकते हैं आप, घर पर ज़रूर ट्राई करें। मुझे पता है काफ़ी लोगों को देख करके मुँह में पानी आया होगा, मुझे खुद देखते ही पानी आया था। मुझे तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ, मैं फटाफट इसे खा ली। देख सकते हैं ये इनके एक्सप्रेशन देखिए, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी यम्मी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों को हमारा पनीर कीमे का रेसिपी? मेरे द्वारा तो बहुत सारी वीडियो आप लोगों ने बनाई और खाई होगी, आज मेरे हस्बैंड के द्वारा बनाई गई ये रेसिपी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करती हूँ।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ रेसिपी आप लोगों को जाननी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।